हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वाइफ ऑन ड्यूटी। मैं हूं रजनी। कैसे दोस्तों आप सब? दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक परफेक्ट रेमेडी जो कि आपकी स्किन के लिए एकदम से बढ़िया वाली है। जी हाँ, जिस इंग्रेडिएंट को मैं इस पैक को बनाने में यूज करने वाली हूँ ना, वो इंग्रेडिएंट दी बेस्ट है, समर सीजन के अकॉर्डिंग है और वो आपकी स्किन को एक तो डिटॉक्सीफाई भी करेगा। डिटॉक्सीफाई का मतलब ये है कि स्किन पर जो गंदगी है, जो डेड लेयर है, उन सबको हटाएगा, स्किन को एकदम से नॉरिश करेगा, नीट एंड क्लीन करेगा, ठीक है। और गर्मियों के अकॉर्डिंग है तो ये आपकी स्किन को एकदम से जो है ना कूल भी रखेगा। गर्मियों में जो स्किन के ऊपर चिपचिपापन हो जाता है, बहुत ज्यादा कई लोगों को स्वेटिंग होती है, फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल हो जाता है, तो ऑयल को भी ये हटाएगा और स्किन को एकदम से नीट एंड क्लीन करेगा। और ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट और लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें केवल दो इंग्रेडिएंट की हेल्प से ये पैक तैयार हो जाएगा और रिजल्ट आपको जो देगा ना, सच में आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे, मुझे बताने पर मजबूर हो जाओगे कि सच में बहुत इफेक्टिव है। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं कि कैसे हमने इसको तैयार करना है। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में छोटू सा बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करेंगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी ना मिलते रहेंगे। इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए काउलिन क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी। गाइस ये बहुत इजीली ऑनलाइन मिल जाती है या आप लोकल मार्केट में भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने ये हेल्थ विट का लिया है, purple.com से ऑर्डर करके मंगवाया था और काफ़ी अच्छा जो है ये काउलिन क्ले है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गर्मियों में एक तो ये स्किन को सूद्ध रखता है, हाइड्रेशन देता है, स्किन पर जो वाइटर्स ब्लैकर्स वगैरह हो जाते हैं उनको जो है ना हटाता है, और साथ में ये हमारी स्किन से पिंपल्स या फिर पिंपल्स के जो निशान होते हैं उनको लाइटन करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, स्किन को डिटॉक्सीफाई करता है, सेल्स को रिजनरेट करता है, और ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा फेशियल क्लिंजर भी है। ठीक है गाइस, आप इसको फेस पर लगाओगे ना और जब वॉश करोगे और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देखोगे स्किन पर कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 स्पून काउलिन क्ले यहाँ पर ले रही हूँ एक क्लीन बॉल में। नेक्स्ट इसके अंदर मैं केवल रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। रोज़ वाटर गर्मियों में स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन पर जो भी डस्ट वगैरह इम्प्योरिटीज़ होती है उनको दूर करता है। तो मैं यहाँ पर होममेड रोज़ वाटर ले रही हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो आप जो है ना जाकर चेक कीजिए चैनल पर कि रोज़ वाटर घर पर कैसे बना सकते हैं, बहुत ईजी है। और इसमें हमने उतना लेना है जितने में ये हमारा पेस्ट तैयार हो जाए, चाहे 1 चम्मच लगे या 2 चम्मच, बस ये स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना हम इसमें साथ साथ ऐड करते रहेंगे रोज़ वाटर को। करीब 2 से 2.5 चम्मच के करीब जो है रोज़ वाटर की जरूरत होगी इसको मिक्स करने के लिए। ये देखिए मिक्स हो गया है और कितना बढ़िया पिंक कलर आएगा। इसे पिंक कलर कैसे आया है तो ये भी बता दूं, ये जो होममेड रोज़ वाटर है ना, इसका ये कमाल है कि इसका जो कलर था ना पिंक रोजेस वाला, वो सारा जो है इसके अंदर आ गया है। आप खुद देख सकते हो, पास से दिखा देती हूँ आपको, थोड़ा सा सुर्ख पिंक, जो पिंक गुलाब होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वही कलर है। इतना प्यारा मस्त कलर आया इसका। वाइट कलर की क्ले थी और रोज़ वाटर डालने से ही इतना बढ़िया बिल्कुल नेचुरल सा कलर आ गया इसका, और ये बहुत बढ़िया हमारा ये पैक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसे आपने ना अपने क्लीन फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो ये है होममेड रोज़ वाटर का कमाल, तो आप इसको घर पर जरूर जरूर बनाइएगा और जो है ना चैनल पर जाकर कैसे बनाना है सर्च कीजिए इसकी वीडियो, ठीक है। तो अब इस पैक को हमने अपने क्लीन फेस पर, नेक पर अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो अपनी बाजू वगैरह पर, अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये पैक गर्मियों में आपकी स्किन को डिटॉक्सीफाई करेगा, हाइड्रेट रखेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, स्किन के हर तरह की प्रॉब्लम्स को लाइटन भी करेगा। इस तरह से आपने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है और 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देना है सूखने के लिए, फिर नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश कीजिएगा। That's it.
15-20 मिनट के बाद अपनी स्किन को वॉश कर लीजिएगा ठंडे ठंडे पानी से। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगी ये रेमेडी। वीक में 2 से 3 बार इसको जोर जोर लगाइए। इसके रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया ना तो फटाफट से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और आपको फिर से मिलूंगी एक बहुत बहुत बढ़िया रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।